हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नितेश मोटर बॉडी यूट्यूब चैनल। नितेश मोटर बॉडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हो हमारे पास है महिंद्रा बोलेरो SLX 2012 मॉडल, जो कि पूरी तरीके से देख सकते हो बिखरी हुई गाड़ी है, टोटली एक्सीडेंटल गाड़ी है। और गाड़ी ने दोस्तों हाईवे पर चार पलटी खाई है। तो इस गाड़ी को हमको तैयार करना, और बॉडी देख सकते हो पूरी गाड़ी की ख़त्म हो चुकी है। बिकॉज दोस्तों गाड़ी में रस्टिंग नहीं है, लेकिन गाड़ी की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हो गाड़ी का हर एक पार्ट बैंड हो चुका है पूरी तरीके से, और बॉडी जो है एक साइड में झुक गई है पूरी कंप्लीटली। बॉडी के जो पिलर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं दोस्तों। और ये प्रोजेक्ट जो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट होने वाला है, और बहुत ही चैलेंजेबल प्रोजेक्ट है हमारे लिए। तो इस प्रोजेक्ट का वीडियो दोस्तों मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस बाई प्रोसेस। तो ये काम मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसमें एक खास बात और है। खास बात ये है दोस्तों इसमें कि ये जो है बोलेरो SLX 2012 मॉडल है और SLX है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है। अभी जो टॉप मॉडल चल रहा है बोलेरो का, बोलेरो BS6, बोलेरो B6, इसको हमको पूरा बाहर से लुक बोलेरो BS6 का देना है, तो नया मॉडल बनाना है दोस्तों। तो ये भी एक इसमें इंटरेस्टिंग काम है, और इसका अपना एक अलग ही मजा है, तो उसका भी मजा आएगा आपको वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, नए मॉडल में कन्वर्ट भी करने वाले और प्लस इसको रिपेयर भी करने वाले, तो दोस्तों दोनों काम बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंदर की तरफ से देखे दोस्तों तो गाड़ी अंदर की तरफ से भी देख सकते हो अंदर वाला रूप पूरा ख़त्म हो चुका है। गाड़ी की सीटें वगैरह टोटली बैंड हो चुकी है, और काफ़ी एसेसरीज अंदर की भी गाड़ी में बिखर गई है पूरी, टूट फूट गई है। तो डैशबोर्ड थोड़ा सा बच गया है गाड़ी में दोस्तों, डैशबोर्ड को रिपेयर किया जा सकता है। इस चीज़ को हम रिपेयर कर देंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें जो रिपेयर नहीं की जा सकती उनको दोस्तों नया डालना पड़ेगा। तो देख सकते हो अंदर की तरफ से भी आप रिव्यू गाड़ी का देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक डैमेज हो चुकी है अंदर की तरफ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो गाड़ी की जो अंदर की सारी फिटिंग है, सारी एसेसरीज अंदर वाली खोल दी गई है, और अब गाड़ी में काम को शुरू कर रहे हैं। बॉडी का डेंट वगैरह निकलेगा अब, तो चलिए वीडियो के मज़े लेते हैं और पूरा काम देखते हैं।
गाड़ी को इसके व्रक स्टेशन पर लगाया गया और ये गाड़ी अब तैयार होने तक इसी स्थान पर पड़ी रहेगी। इसका स्थायी कार्य यहीं पूरा होगा और आगे का जो शेप है आप देख सकते हो पूरी तरीके से खोल दिया गया है, पूरी आगे वाली फिटिंग को रिमूव कर दिया गया है और क्या क्या काम होगा मैं पूरा प्रोसेस भाई आपको दिखाता रहूंगा वीडियो में। गाड़ी में डेंटिंग और वेल्डिंग का काम भी चल रहा है और कुछ कुछ हिस्सों की हमने डेंटिंग कर दी है गाड़ी में और ऊपर का जो रूफ है आप देख सकते हो पूरा निकाल दिया गया है और अब लगभग सारी फिटिंग गाड़ी की खोल दी गई है। अब हम इसकी बॉडी का जो है डेंट पूरा निकाल रहे हैं, उसके बाद आगे का शो फिटिंग करेंगे, आगे के जो जो नए नए पार्ट डालने हैं वो हम धीरे धीरे फिटिंग करते जाएंगे। तो आप वीडियो देखते जाओ, सारा काम समझ में आएगा, गाड़ी में क्या क्या नया डला है वो भी आपको वीडियो में पूरा दिखेगा। और गाड़ी की रूफ है आप देख सकते हो हमने पूरी तरीके से निकाल दी और रूफ के अंदर जो सपोर्ट आते हैं आप देख सकते हो वीडियो में वो भी पूरी तरीके से बैंड हो चुके हैं। और गाड़ी का जो पीछे वाला क्वार्टर पैनल आता है उसकी डेंटिंग आप देख सकते हो, उसको पूरी तरीके से ख़त्म था वो, जो उसको पूरा रिपेयर किया गया है, हमने ये नया नहीं डाला क्योंकि दोस्तों अगर ये नया डालने जाएं तो दोस्तों बॉडी नया डालना हमारे लिए बेहतर रहेगा, लेकिन कस्टमर को जो कंपनी वाली बॉडी चाहिए थी तो हमने क्वार्टर पैनल वो ही रिपेयर किया है। और डेंटिंग देख सकते हो क्वार्टर पैनल की बहुत ही शानदार निकली है गाड़ी में। यहाँ पे गाड़ी में जो हवा बारी आती है दोस्तों, एयर पैनल आता है वो रिमूव किया जा रहा है क्योंकि एयर पैनल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो उसको रिमूव करके नया एयर पैनल डलेगा। और बॉडी की कुछ डेंटिंग भी निकलेगी, एयर पैनल से जुड़ी हुई जो बॉडी के कुछ हिस्से हैं उनकी डेंटिंग भी निकलेगी, तो एयर पैनल को रिमूव किया जा रहा है। ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ एयर पैनल को कैसे रिमूव करते हैं और वापस कैसे फिटिंग करते हैं, तो चलिए वीडियो को देखिए आप और मैं पूरा दिखा रहा हूँ एयर पैनल का जो सिस्टम क्या है कैसे होता है। अब दोस्तों गाड़ी में नया एयर पैनल आप देख सकते हो हम डालने वाले हैं और एयर पैनल को निकालना पुराने को बहुत ही मुश्किल काम है और नए को सेट करना भी मुश्किल काम है क्योंकि इसमें जो डोर होती है वो एयर पैनल में ही सेट की जाती है, तो दोस्तों इसके स्पोर्ट्स भी बहुत खतरनाक होते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। फाइनली दोस्तों एयर पैनल को सेट करने के बाद हम आगे की जो कांच फ्रेम है, जैसा कि आपने वीडियो में आगे वाली क्लिप में देखा कांच फ्रेम जो गाड़ी की बहुत ही डैमेज थी, तो उसको भी हमको नया डालना पड़ा और ये हमारे लिए एक सही काम होगा क्योंकि कांच फ्रेम दोस्तों इसकी जो कंपनी वाली थी वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज थी, तो नई डालनी हमारे लिए ठीक था, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया है गाड़ी में। और जैसा आप देख सकते हो नाइट के कुछ शॉट्स हैं, नाइट में हमने इसको दोस्तों चेंज की थी, तो वो भी मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ कांच फ्रेम को कैसे चेंज करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, आप सारे प्रोसेस गाड़ी में स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता रहूंगा। चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों नाइट को हमने जो कांच की फ्रेम थी उसको इंस्टॉल कर दिया गाड़ी में और आगे के जो नए डोर थे उनको भी टच कर दिया है गाड़ी से। और अब हम गाड़ी में काफ़ी जैक लगाए हुए हैं क्योंकि गाड़ी में आप देख सकते हो कितना बैंड था, पूरी बॉडी घूमी हुई थी गाड़ी की पलटी खाने की वजह से, तो देख सकते हो आप ये जैक का जंजाल देख सकते हो दोस्तों, इतने जैक तो हमने कभी नहीं लगाए हमारी लाइफ में, लेकिन इस गाड़ी में हमको लगाने पड़े बिकॉज बॉडी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डैमेज थी।
और अब दोस्तों गाड़ी में जो ऊपर वाली छत थी वो भी इंस्टॉल हो गई है। जो रूफ हमने आपको कम दिखाया था पहले हमने रिमूव किया था, अब हमने वो दूसरा डाल दिया है, रूफ नया डला है क्योंकि रूफ भी पूरा डैमेज था जैसा कि आपने वीडियो में देखा था आगे आगे। और रूफ दूसरा डालने के बाद हमने साइड की डेंटिंग है कुछ वो भी निकाल दिए गाड़ी में, और अब काफ़ी हद तक दोस्तों गाड़ी लेवल पर आ चुकी और डोर्स वगैरह सेट हो चुके हैं गाड़ी के। तो अब दोस्तों हम आगे का शो फिटिंग करने वाले हैं, तो उसकी भी मैं आपको पूरी क्लिप दिखाऊंगा। और आगे का शो है वो नए मॉडल में बनाना है, तो ये बहुत ही मज़ेदार काम रहेगा। अब हम गाड़ी का शो फिटिंग करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आगे वाली क्लिप में आपको बोला कि हम आगे वाला जो शो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो वीडियो में अब हम आगे वाला शो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये हम कैसे कुछ करेंगे वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों। कुछ कुछ दोस्तों इसमें इस सेगमेंट में काफ़ी ऑल्टरेशन हुए हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। कुछ मशीनरी काम को भी हमको आगे पीछे करना पड़ा है, तो वो मैं पूरी वीडियो क्लिप नहीं दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको आगे की जो फिटिंग है वो की हमने वो दिखाऊंगा, लेकिन जो हमने अंदरूनी ऑल्टरेशन किए गाड़ी में वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला क्लिप में, आई एम सॉरी। और ये दोस्तों इंडिया में शायद पहली गाड़ी होगी जो 2012 से सीधी BS6 में कन्वर्ट हो रही है, और फर्स्ट काम होगा ये ऑल ओवर इंडिया में। तो आप देख सकते हो आगे का शो पूरा नया डल चुका है, और गाड़ी में ऑल ओवर जो पार्ट्स है वो दोस्तों महिंद्रा के डले और शो इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा काम कैसे क्या होगा, तो वीडियो को एंजॉय करते हैं। फाइनली दोस्तों आगे का जो शो था वो हमने नए मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। बहुत ही चैलेंजेबल काम था हमारे लिए, और हमारे पसीने छूट गए दोस्तों इस काम को करने में, लेकिन फाइनली आई गॉट इट, हमने इसे कर दिया दोस्तों। इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत लगी और हमने काफ़ी मशक्कत की है, लेकिन काम आखिर में हो ही गया। चलिए अब गाड़ी का कलर का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब दोस्तों गाड़ी में जो वाइट बॉडी फिलर आता है उसको लगाया जा रहा है, जिससे बड़े बड़े जो डेंट्स वगैरह है, वैसे तो हमने पूरी गाड़ी की डेंटिंग कर दी है, लेकिन ये फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है ताकि छोटे मोटे डेंट्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर किया जा सके। तो पूरी गाड़ी में शोल्डर लगने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा कैसे क्या काम हो रहा है। पूरी गाड़ी में दोस्तों बॉडी फिलर लगने के बाद जो बॉडी फिलर था उसको प्रॉपरली ड्राई करने के बाद अब उसकी कटिंग की जा रही है दोस्तों, ताकि उसको अच्छे से शेप में लिया जा सके। तो ये भी मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। लाइनिंग वर्क है दोस्तों जो गाड़ी में वो बहुत ही मायने रखता है, और अगर लाइनिंग वर्क गाड़ी में अच्छा है, जो धारे वगैरह है उनका काम अच्छा है, तो बाकी चीज़ें आपको कोई गाड़ी में डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और लाइनिंग वर्क दोस्तों गाड़ी में अच्छा होना ही चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो पूरी गाड़ी में लाइनिंग है, वो दोस्तों पूरी कंपनी वाली लाइनिंग बनी है, तो इसमें कोई फेरफार नहीं होना चाहिए। बॉडी फिलर को पूरा करने के बाद गाड़ी में और उसकी प्रॉपर कटिंग करने के बाद अब गाड़ी पर और भी छोटे मोटे जो स्क्रैचेस रहते हैं उनको मिटाने के लिए NC पुट्टी का उपयोग किया जाता है, जो आप देख सकते हो ग्रे कलर की होती है, और इसको अब गाड़ी पे अप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों इसकी भी कटिंग होगी, वो भी सारा प्रोसेस दिखाऊँगा, और वीडियो को आप मज़े से देखिए।
जैसा कि मैंने आपको वीडियो में आगे बोला, एनसी पुट्टी को गाड़ी में फिलअप करने के बाद इसकी भी दोस्तों कटिंग करनी पड़ती है, और इसकी कटिंग भी एक अहम भूमिका रखती है गाड़ी के कलर वर्क में। तो आप देख सकते हो इसकी भी कटिंग की जा रही है। एनसी पुट्टी की दोस्तों प्रॉपर कटिंग करने के बाद अब हम गाड़ी पर करेंगे पीएस ग्रे, जो अस्तर आता है वो लगाएंगे दोस्तों। और ये भी गाड़ी में कलर में एक अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, ये गाड़ी की कलर की जो पकड़ होती है उसको बनाए रखता है दोस्तों। तो चलिए इसको गाड़ी पर अप्लाई करते हैं। सो गाइस, फाइनली हमने पूरी गाड़ी पर पीएस ग्रे अस्तर अप्लाई कर दिया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते कलर के नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब दोस्तों गाड़ी में जो हमने पीएस ग्रे को अप्लाई किया था उसको दोस्तों एमरी पेपर से रफ किया जा रहा है, और कई कई जो पेचिंग वगैरह है, हल्के स्क्रेचेस वगैरह, उनको चेकिंग किया जा रहा है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि गाड़ी पर सफ़ेद कलर का अंडरकोट है वो अप्लाई किया जा रहा है, जो कि वाइट होता है, इसको वाइट अस्तर भी बोल सकते हैं। और इसके बाद इसकी भी चेकिंग की जाएगी और उसको फिर वापस एक बार रफ किया जाएगा, उसके बाद गाड़ी पर कलर स्टार्ट होगा। तो आप वीडियो में देखते रहिए, कलर का पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन आपको सारे प्रोसेस इस गाड़ी में समझ में आएंगे और काम भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है गाड़ी में। व्हाइट अंडरकोट पूरा लगने के बाद गाड़ी पर अब छोटे छोटे और भी पैचिंग स्क्रेचेज है वो गाड़ी पर चेक किए जा रहे हैं, और उसके बाद कलर का प्रोसेस शुरू होगा। सो दोस्तों अब हम गाड़ी पर है जो गाड़ी का ओरिजिनली कलर लगा रहे हैं, और इस गाड़ी में जो दोस्तों कलर है वो महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 में जो पल वाइट कलर आता है वो हम लगा रहे हैं। और पल वाइट दोस्तों गाड़ी पर कलर बहुत ही शानदार लगेगा, ये पहली बोलेरो होगी जिस पर हम S11 का पल वाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं, और दोस्तों उसकी चमक एक अपनी अलग ही चमक होगी। और वो दोस्तों क्लियर कोट वाला कलर है, सो हम गाड़ी पर पूरा क्लियर कोट वाला कलर भी करेंगे, उसका भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे, एकदम यूनिक प्रोसेस है दोस्तों इसका। तो एक बार हम पूरी गाड़ी पर इसका जो कलर है, बेज कलर है, वो लगा रहे हैं, बेज कोट लगा रहे हैं, उसके बाद दोस्तों इस पर पल डालेंगे, तो वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा।
पूरी गाड़ी पर फाइनली बेस डालने के बाद अब हम जो गाड़ी पर है पल है आप देख सकते हो, पल एक चमक आती है वो गाड़ी पर इंस्टॉल कर रहे हैं। आप देख सकते हो जो गाड़ी पर पल है वो लग रही है, और पल के बाद दोस्तों गाड़ी पर क्लियर लगेगा, वो भी सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले हम गाड़ी पर पूरी पल को लगा देते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद लगाएंगे हम क्लियर। दोस्तों पल वाइट आप देख सकते हो, इसकी एक अलग ही पहचान है, और चमक देख सकते हो आप बहुत ही शानदार। आगे के कैसियो पे आप इसकी चमक देख सकते हो, पूरी गाड़ी दोस्तों इसी तरीके से चमक रही है। और अब हम गाड़ी पर है जो क्लियर कोट डालेंगे, क्लियर कोट पूरी गाड़ी पर हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो अब हम डाल रहे हैं गाड़ी पर क्लियर कोट, और इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। कलर का काम फाइनल करने के बाद दोस्तों अब हम इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हो पूरा ऑयल में हो गया था गाड़ी पलटी खाने की वजह से, तो उसको पूरा दोस्तों साफ किया जा रहा है, और डस्ट भी बहुत थी इसमें, तो पूरा उसको अच्छे तरीके से क्लीन किया जाएगा बारीकी से। और अंदर की सारी फिटिंग है जो फाइबर फिटिंग, उसको पूरा क्लीन किया जाएगा, जो गाड़ी में पुरानी लगनी है उनको क्लीन करने के बाद दोस्तों गाड़ी में इंस्टॉल किया जाएगा। तो अब गाड़ी की फिटिंग लगभग शुरू होने वाली है, और रूफ देख सकते हो गाड़ी का, ये भी दोस्तों ऑयल में हो गया था, तो इसको भी पूरा हम क्लीन कर रहे हैं। और इस पर पहले से काफी डस्ट लगी हुई थी, बिकॉज गाड़ी 2012 मॉडल है, तो रूफ इसकी बहुत ही ज्यादा मैली थी, तो इसको पूरा साफ करने के बाद फिर हम करेंगे इसको अंदर फिटिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो गाड़ी में अंदर डैशबोर्ड है वो फिटिंग हो रहा है, और काफी हद तक इसका डिजिटल एनालॉग मीटर है वो भी लगाया जा रहा है, और वायरिंग का काम भी हो रहा है, और आगे की तरफ कुछ कुछ मैकेनिकल काम है वो भी इसमें दोस्तों किया जा रहा है। तो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाता रहूंगा। अब दोस्तों गाड़ी में जो है फिटिंग का काम शुरू होगा, तो आप देख सकते हो गाड़ी में फिटिंग लगभग काफी हद तक हो चुकी है। अंदर की रूफ अब हम फिटिंग करेंगे, जो कि एकदम ओरिजिनली तरीके से फिटिंग होगी कंपनी वाली। सो दोस्तों वीडियो को एंजॉय करिए, अब हम गाड़ी में रूफ को फिटिंग करते हैं। सो गाइज अब यहाँ चेचिस जो कलर हो रही है आप देख सकते हो, जो जो कंपनी के ब्लैक पार्ट आते हैं उनको दोस्तों ब्लैक कलर किया है, और जो जो चेचिस ग्रे कलर आता है इसमें चेचिस का एक अलग ही कलर आता है, उसको दोस्तों उसी के हिसाब से ओरिजिनली कलर किया जा रहा है। तो मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ, देख सकते हो चेचिस पूरी तरीके से कम्प्लीटली कलर की जा रही है, और इसके जो ड्रम वगैरह है वो भी कलर किया जा रहे हैं, और जो जो पार्ट ब्लैक आते हैं उनको हमने इस गाड़ी में ब्लैक किया है, और इसके जो व्हील्स आते हैं टायर की डिस्क उसको भी देख सकते हो पूरा अंदर बाहर से ब्लैक किया गया है। यहाँ पर देखे तो गाड़ी की कुछ कुछ एसेसरीज है उनको गाड़ी का ओरिजिनली कलर दोस्तों किया जा रहा है। BS6 में दोस्तों कुछ डिफरेंट कलर आ रहा है, तो उस हिसाब से हमको इनमें कलर करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है कलर। तो आप देख सकते हो एसेसरीज को भी अच्छे तरीके से पूरा पेंट किया गया है, और उसके बाद आगे की ग्रिल वगैरह सारी दोस्तों एकदम ओरिजिनली जो BS6 वाला कलर है उसको इस पर अप्लाई कर दिया गया है। और अब हम इसको पूरा फिटिंग करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब दोस्तों हम गाड़ी में सीट कवर लगाएंगे, गाड़ी के जो आप देख सकते हो लेदर के सीट कवर है, तो पूरी गाड़ी की सीटों पे हम ये लेदर वाले सीट कवर लगाएंगे, और उसके बाद भी गाड़ी में काफ़ी एसेसरीज का काम होने वाला है, तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाता रहूँगा।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि गाड़ी का जो फ्लोर है, जो फ्रस है, उसमें दोस्तों हम मेटिंग कर रहे हैं, वो भी लेदर वाली मेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पुरानी मेटिंग थी वो पूरी ऑयल में हो चुकी थी और पूरी फट चुकी थी, पुरानी थी वो थोड़ी, तो हमने इसमें नई मेटिंग इंस्टॉल करना सही समझा और अब हम इसमें नई मेटिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये भी जो है वो लेदर वाली आप देख सकते हो। तो पूरी गाड़ी में मेटिंग लगाने के बाद इसमें हम सीटें वगैरह लगाएंगे, तो उसका भी वीडियो मैं आपको पूरा दिखाता रहूँगा। अब दोस्तों गाड़ी में पॉलिश का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम गाड़ी पर रफ लगा रहे हैं, उसके बाद गाड़ी को पूरी रबिंग करेंगे, तो पॉलिश का काम भी मैं पूरा दिखाने वाला हूं गाड़ी में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अब छोटा सा वीडियो बचा है और फिर गाड़ी के फाइनल शॉट्स को एंजॉय करेंगे। अब दोस्तों गाड़ी में गाड़ी की जो ग्राफिक्स आती है BS6 वाली, वो इंस्टॉल की जा रही है। आप देख सकते हो गाड़ी में हम नाइट में ग्राफिक को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और अभी तक हमारी जो एक्सीडेंटल गाड़ी थी जिसको हम तैयार कर रहे थे, देखिए हमने लगभग आपने वीडियो में जैसे देखा हमने काफ़ी हद तक इस गाड़ी को तैयार कर दिया है, तो उसमें हम अभी तक लगे हुए हैं क्योंकि अभी वायरिंग का काम हम कर रहे हैं और गाड़ी को सुबह डिलीवर करना है और काम अभी गाड़ी में बहुत ही बाकी है। तो हम इस गाड़ी में अभी तक लगे हुए हैं। जो यहाँ के हमारे लोकल वर्कर थे भीमाल के, वो तो अपने घर चले गए, लेकिन जो यहीं पर रहते हैं कुछ वर्कर, वो अभी तक काम में लगे हुए हैं। देखिए वायरिंग का काम हो रहा है और वायरिंग का काम रात में अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि लाइटों को अच्छे से रात में ही चेक किया जा सकता है। दिन में ये काम इतना अच्छा पॉसिबल नहीं है। कस्टमर सुबह आने वाले हैं जल्दी, तो हमको अभी ये काम करना पड़ा, वरना हम सुबह भी कर सकते थे, लेकिन कस्टमर हमारे पास लगभग 150 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो ये काम इसलिए हम अभी कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी भी हालत में हमको गाड़ी डिलीवर करनी। उन्होंने बोला उनको कहीं शादी में बाहर निकलना, उस हिसाब से हम गाड़ी में अभी तक लगे हुए। 12 बज चुके हैं और देख सकते हो आप कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है गाड़ी में, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हमने इस गाड़ी में बहुत ही मेहनत करी है, जैसा कि आपने देखा गाड़ी को नए मॉडल में हमने कन्वर्ट किया है पूरा, और एक्सीडेंटल थी उसको हमने फिर से रिपेयर किया और कुछ पार्ट इसमें नए डले, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है पूरा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए मिलते हैं गाड़ी के फाइनल शॉट्स में, गाड़ी कैसी निकल कर आती है वो सब फाइनल शॉट्स में आपको देखने को मिलेगा। दिल से मेहनत करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए तो मिलता हूं गाड़ी के फाइनल शॉट्स में।
अब दोस्तों गाड़ी में सब काम कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट पॉलिश का प्रोसेस एक और बच जाता है, जिसमें वैक्स पॉलिश की जाती है। तो पूरी गाड़ी को एक बार वैक्स पॉलिश कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी के फाइनल शॉट्स देखेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और आपके सामने है बोलेरो BS6 न्यू वेरिएंट। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था गाड़ी की क्या कंडीशन थी और हमने इसको कैसा बना दिया। वाकई में दोस्तों गाड़ी बहुत ही शानदार बनी है और गाड़ी को मैंने बोला था BS6 में कन्वर्ट करना है, तो हमने पूरी गाड़ी को बार बार से BS6 बना दिया। और काम दोस्तों बहुत ही चुनौती वाला था हमारे लिए, आगे से एक तो 100 नए मॉडल में बनाना ये बहुत ही चुनौती वाला काम था। और बॉडी इसकी इतनी डैमेज थी कि उसको रिपेयर करने में हमारे भी पसीने छूट गए थे दोस्तों, और बहुत ही मेहनत लगी इस प्रोजेक्ट में हमें। तो आप फाइनल शॉट्स को एंजॉय कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा दोस्तों हमारे काम के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए फाइनल शॉट्स को एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा काम भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए तो ऐसे धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जितना आप शेयर कर सके शेयर करें दोस्तों। वीडियो में हमको बहुत ही मेहनत लगी और काम में दोस्तों वास्तव में हमने इतनी दिल से मेहनत की, आपने काम देखा ही होगा हमारा कैसा हुआ ये कमेंट करके जरूर बताना। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नितेश मोटर बॉडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबाएं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।